स्कूल में पढ़ती थी राजस्थान में, उसको स्कूल से अगवा करके उसको इतनी बुरी तरीके से रेप करा कि उसकी आंखें बाहर आ गई। ये सिर्फ इन दोनों बेटियों की बात नहीं है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल देश भर में बच्चियों और महिलाओं से बढ़ते दुष्कर्म के मामलों के विरोध में भूख हड़ताल कर रही हैं। जनता मंत्र पर स्वाति मालीवाल आज भूख हड़ताल पर बैठेंगी। देश में बढ़ रही रेप की घटनाओं के बीच उनका कहना है कि वो तब तक नहीं हटेंगी जब तक केंद्र सरकार ये आश्वासन नहीं दे दे कि वो अपराधियों को 6 माह में फांसी की सजा दिला देगी। मालीवाल के मुताबिक एक हफ्ते में देश भर से बच्चियों व महिलाओं से लगातार दरिंदगी के बाद हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। इसके बाद भी सरकार सख्त कानून नहीं बना रही है। सख्त कानून से ही ऐसे मामलों पर रोकथाम लग सकती है। इसी मांग को लेकर भूख हड़ताल पर स्वाति मालीवाल बैठ चुकी हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी विरोध धरना जारी रहेगा। इसके साथ ही देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री से महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि केंद्र सरकार से मांग करेंगी कि वो बलात्कार के दोषियों को 6 माह में सजा दिलाने वाला कानून लाने का आश्वासन के बाद ही अपना अनशन तोड़ेंगी। इसके अलावा उनकी मांग है कि इस मामले में पुलिस की जिम्मेदारी तय की जाए। बता दें कि स्वाति मालीवाल ने यह कदम निर्भया के दोषियों को अभी तक सजा न मिलने के कारण उठाया है। हाल में निर्भया के रेप के दोषियों में से एक ने राष्ट्रपति से दया याचिका भी मांगी थी जिसे दिल्ली सरकार ने नामंजूर कर दिया था। इसके अलावा इस समय हैदराबाद के हुई महिला चिकित्सक के रेप और हत्या के बाद भी पूरा देश शोक में डूबा हुआ है।